वेलकम एवरीवन. ओके गाइस, अब हम करते हैं हमारी अगली टाइप ऑफ एनीमिया विच इज इम्यूनो हिमोलिटिक एनीमिया. ये बहुत इंपॉर्टेंट इस वजह से क्योंकि इस वजह से एमसीक्यूज आपके ना बड़े ज़्यादा आते हैं. बाकी एसीक्यू तो कभी भी आया नहीं है, होपफुली आता भी नहीं होता, लेकिन एमसीक्यूज इसमें से आते हैं. इसको जरा से समझ लेना, बहुत आसान सी बात है. नाम इसका क्या शोर कर रहे हैं, इम्यूनो हिमोलिटिक. इम्यून सिस्टम की वजह से हिमोलिसिस हो रहा है आरबीसीज का और एनीमिया हो रहा है. इम्यून सिस्टम की वजह से हिमोलिसिस मोस्ट कॉमनली यही होता है जब हम इम्यूनो का वर्ड इस्तेमाल करते हैं. इसका मतलब ये होता है कि एंटीबॉडीज हमारी बॉडी की जो इम्यून सिस्टम है, जाहिर सी बात है हमारा बॉडी का मेन इम्यून सिस्टम तो एंटीबॉडीज ही है ना. वैसे तो पूरा एक वाइड स्प्रेड इम्यून सिस्टम होता है, लेकिन स्टिल इम्यूनो का वर्ड हम एंटीबॉडीज के लिए ही इस्तेमाल करते हैं. तो एंटीबॉडीज अगर आपके रेड ब्लड सेल पे अटैक करने लग जाएंगी और उसको डैमेज करेंगी और हिमोलिसिस करेंगी उनका, उनको तोड़ देंगी, तो वो इम्यूनो हिमोलिटिक एनीमिया होगा आपका, ठीक है. अच्छा, आपको याद है हमने हम कहते हैं कि हमारा ब्लड ग्रुप, आपने ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम पढ़े होंगे, आपने कहा होगा बहुत सारे ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम है, लेकिन मोस्ट एक्सेप्टेड दो ही हैं, जिनमें से एक हमारा एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम है और दूसरा आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम है. और हम सारे अपने कहते हैं कि हमारा भी ब्लड ए पॉजिटिव है या बी नेगेटिव है या व्हाट्स एवर. ये ब्लड ग्रुप्स किस बेस पे हम बात करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द एंटीजन ऑन द सर्फेस ऑफ रेड ब्लड सेल्स. आपको पता है कि रेड ब्लड सेल की सर्फेस पे डिफरेंट टाइप की एंटीजेंस होते हैं, ठीक है. ये रेड ब्लड सेल है तो ये जो ए बी ओ एंटीजेंस है ये भी आर बी सी की सर्फेस पे होते हैं. और ये जो आर एच टाइप ऑफ एंटीजेंस है जो पॉजिटिव या नेगेटिव साइन को इंडिकेट करता है, रेसिस पॉजिटिव या रेसिस नेगेटिव, ठीक है, ये भी आपके आर बी सीज की सर्फेस पे होते हैं. वैसे तो ये इन्वेस्टिगेशन और रिसर्च ने कहा है कि बहुत सारे टाइप ऑफ एंटीजेंस होते हैं, लेकिन जो उसमें से आपके लिए इम्पॉर्टेंट है यानी जिनकी वजह से हिमोलिसिस हो सकती है या नहीं हो सकती अगर गलत ब्लड आ जाए, तो वो आपके ये दोनों ग्रुप्स हैं, ठीक है. अच्छा, अब तो गाइस ये जो आपकी सरफेस पे आरबीसीज के हमारे पास एंटीजन होते हैं, वैसे तो हमारी बॉडी इन सब से, मतलब आपको पता है ना हमने बात की थी कि जब बॉडी बन रही होती है तो हमारी बॉडी की जितनी प्रोटीन्स होती हैं, जितने भी हमारी बॉडी के अपने सेल्स होते हैं, वो सारे के सारे हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को दिखाए जाते हैं, उसे शो किए जाते हैं, यानी टी सेल्स को शो किए जाते हैं ताकि वो देख ले कि ये अपनी चीज़ है और उसके खिलाफ कोई भी रिस्पॉन्स ना करे. तो नॉर्मली तो यही हिसाब होता है, ठीक है. तो हमारी ये बॉडी के जो आरबीसी की सर्फेस पे एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, ये ए बी ओ एंटीजन है या रिसेस का, जो बाकी ब्लड ग्रुप्स है वो डफी और वगैरह वगैरह, ये सारे बॉडी से रिएक्ट नहीं करते, इनका कोई फर्क नहीं पड़ता. लेकिन अगर कोई ऐसी कंडीशन हो कि हमारी सरफेस ऑफ आरबीसी में जो एंटीजेंस है उनके खिलाफ बॉडी एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने लग जाए, वो एंटीबॉडीज स्पॉन्टेनियसली भी प्रोड्यूस हो सकती हैं, खुद ब खुद भी बॉडी में आने लग सकती हैं और कोई इन्फेक्टिव एजेंट की वजह से भी आ सकती हैं, तो जाहिर सी बात है कि जब वो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनेगा तो मैं ब्रेन डैमेज होगी, हिमोलिसिस हो जाएगा. और ये हिमोलिसिस आपका हिमोलिटिक एनीमिया करते हैं, जिसको हम इम्यूनो हिमोलिटिक एनीमिया कहते हैं. इसके डायग्नोसिस के दो तरीके हैं और ये बात आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपके पैथोलॉजी के प्रैक्टिकल वाइवा वगैरह के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है. ये जो कूम्स टेस्ट है, बहुत सिंपल से दोनों टेस्ट हैं, एक डायरेक्ट कूम्स टेस्ट है और एक इनडायरेक्ट कूम्स टेस्ट है. डायरेक्ट वाला जो है ये आपका बेसिकली इम्यूनो हिमोलिटिक एनीमिया को डिटेक्ट करता है, और इनडायरेक्ट कूम्स टेस्ट जो है वो सबसे ज़्यादा कॉमनली अगर प्रेगनेंसी के दौरान हमने आर एच इनकम्पेटिबिलिटी चेक करनी हो, यही वाली जो पॉजिटिव नेगेटिव की इनकम्पेटिबिलिटी होती है, तो मोस्ट कॉमनली उसमें इस्तेमाल होता है. और भी यूजेज हैं. डायरेक्ट में हम क्या करते हैं, अब इम्यूनो हिमोलिटिक एनीमिया को किस तरह अटैक करेगा, हिमोलिटिक एनीमिया हो चुका है पेशेंट के अंदर, मतलब कुछ ना कुछ हद तक इम्यूनो हिमोलिसिस हो चुके हैं. इम्यूनो हिमोलिसिस की कंडीशन जब पेशेंट की बॉडी के अंदर होती है ना, तो उसकी रेड ब्लड सेल अगर ये है, ये रेड ब्लड सेल की सर्फेस पे एंटीजन है सपोज करते हैं, तो कोई ना कोई एंटीबॉडी, सपोज ये एंटीबॉडी है तो ये इनके साथ बाइंड कर चुकी होती है, ठीक है, तभी रेड ब्लड सेल्स जो है वो हिमोलाइज करते हैं. तो ये इम्यूनो हिमोलिटिक एनीमिया में होता है. डायरेक्ट कूम्स टेस्ट में हम पेशेंट की बॉडी से ब्लड लेते हैं और उसमें से रेड ब्लड सेल्स को सेपरेट कर लेते हैं, मतलब सीरम सारा निकाल देंगे और आरबीसीज ये हमारे पास अलग हो जाएंगे. उसके बाद ये चेक करने के लिए कि क्या एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स यहाँ बना हुआ है सरफेस ऑफ आरबीसी पे या नहीं, हम एक चीज़ ऊपर से डालते हैं, उसको हम कूम्स सॉल्यूशन कहते हैं. कूम्स कोई बंदा था जिसने इसको निकाला था, इस वजह से उसका नाम है कूम्स सॉल्यूशन. कूम्स सॉल्यूशन में एक्चुअली हमारे पास होता क्या है, एंटी ह्यूमन एंटीबॉडीज होती हैं. एंटी ह्यूमन एंटीबॉडीज का मकसद ये होता है कि अगर ये हम डालें किसी भी ब्लड के सैंपल में या फिर किसी भी चीज़ में, किसी सॉल्यूशन में हम अगर एंटी ह्यूमन एंटीबॉडीज डालें, तो अगर आपके पास वहाँ पर एंटीजन और एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स बना हुआ होगा, तो वो चीज़ें जिन चीज जिस जगह पर एंटीजन एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स बना हुआ होगा, वो सेल्स आपस में जुड़ने लग जाएंगे, उनकी एग्लूटिनेशन हो जाएगी. एग्लूटिनेशन का मतलब होता है क्लम्पिंग शुरू हो जाती है, ठीक है. और अगर किसी जगह पर हम एंटी ह्यूमन एंटीबॉडी डालें और एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स नहीं बना हुआ पहले से वहाँ पर, ठीक है, एंटीजन और एंटीबॉडी अलग अलग हैं, तो सेल्स की क्लम्पिंग नहीं हो सकती, ठीक है.
है। तो इस तरह एंटी ह्यूमन एंटीबॉडी को डाल के हम चेक कर सकते हैं कि क्या आरबीसी की सर्फेस पर एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बना हुआ है या नहीं, और हम यही करते हैं डायरेक्ट रूम टेस्ट में। हम पेशेंट की ब्लड लेते हैं, उसमें से आरबीसी को अलग करते हैं, उसके बाद उस पर एंटी ह्यूमन एंटीबॉडी डालते हैं, और अगर क्लंपिंग हो गया, क्लंपिंग साफ नजर आ जाती है, आरबीसी एकदम एक दूसरे से ना एकदम जुड़ जाते हैं, क्लंप बना लेते हैं, क्लस्टर बना लेते हैं, तो समझें कि इम्यूनोहिमोलिटिक एनीमिया हुआ हुआ है और एंटीजन एंटीबॉडी जो है वो आपस में जुड़े हुए हैं। अब एक बात तो जहन में आनी चाहिए ना कि जब एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बना हुआ है तो हिमोलिसिस हो जाना चाहिए आरबीसी का, इसके तो रहना ही नहीं चाहिए, लेकिन कुछ देर के लिए स्टे कर जाता है, कुछ एंटीबॉडी एंटीजन कॉम्प्लेक्सेस रहते हैं और थोड़ी देर बाद सेल का हिमोलिसिस होता है। तो कुछ सेल आपको हिमोलाइज मिलते हैं, कुछ मिलते हैं जो कि अभी स्टेबल होते हैं, जो डिटेक्ट करवा देते हैं कि बीच में प्रॉब्लम है। इसके ऑपोजिट जो इनडायरेक्ट कूम्स टेस्ट है, इसमें हमने सिर्फ ये करना होता है कि हमने पेशेंट का सीरम लेना है, ठीक है। इनडायरेक्ट कूम्स टेस्ट में जिस पेशेंट को हमने चेक करना है कि उसकी बॉडी में क्या सिलसिला चल रहा है, उसका हमने सिर्फ सीरम लेना है, क्योंकि उसका जो सीरम से मुराद है कि उसमें से आरबीसीज और ब्लड सेल्स हमने सारे निकाल देने हैं। उसके बाद हमने इस सीरम में जो हमने एक पेशेंट से लिया है जिसमें हमने चेक करना है कि क्या ऐसा तो नहीं, हमने चेक इसमें ये करना होता है कि क्या पेशेंट के सीरम में एंटीबॉडीज इस वक्त एक्टिव तो नहीं है जो आरबीसीज को डिस्ट्रॉय कर देंगी, ठीक है। तो पेशेंट का हमने सीरम ले लिया और हमने चेक करने की एंटीबॉडीज इसमें एक्टिव है या नहीं है। हमने बाहर से एक फॉरेन एंटीजन फॉरेन आरबीसी डाला, ठीक है, मतलब बाहर से हमने एक अलग से रेड ब्लड सेल डाला। बेसिकली ट्रांसफ्यूजन जब हमने करनी होती है ब्लड ट्रांसफ्यूजन, उससे पहले हम ये इनडायरेक्ट कूम्स टेस्ट करते हैं। हम रिसिपिएंट का सीरम ले लेते हैं और जिसका ब्लड हमने लेकर इस बंदे के अंदर डालना है उस बंदे का हम सिर्फ रेड ब्लड सेल लेते हैं, ठीक है। या फिर आप कह लें कि बाहर से एक रेड ब्लड सेल ले लिया और रेड ब्लड सेल की सर्फेस एंटीजन का हमें पता होता है कि कौन सा सर्फेस एंटीजन है, ये रेड ब्लड सेल हम अंदर डाल देंगे। अब हो सकता है कि अगर एंटीबॉडीज इस बंदे के रेसिपिएंट जो है जिसका सीरम हमने लिया था, अगर इसके सीरम में एंटीबॉडीज प्रेजेंट होंगी तो जाहिर सी बात है जैसे ही रेड ब्लड सेल आएगा वो एंटीबॉडीज इसके साथ जोड़ के एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बना देंगे और हिमोलिसिस शुरू कर देंगी। इसके बाद हम डाल देते हैं इसी को डिटेक्ट करने के लिए कि क्या हिमोलिसिस होगा या नहीं होगा, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बना है या नहीं बना, वो चेक करने के लिए हम यही एंटी ह्यूमन एंटीबॉडी डालते हैं। अगर वही कॉम्प्लेक्स एंटीजन एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स बना होगा तो आपकी क्लंपिंग हो जाएगी, अगर नहीं बना होगा तो क्लंपिंग नहीं होगी। तो इस तरह हमें पता चल जाता है कि पर्सन जो है जिसको ब्लड हम देना चाह रहे हैं, जो रिसिपिएंट है, उसकी बॉडी में एंटीबॉडीज एक्टिव हैं या नहीं है, और अगर हम दूसरे का ब्लड उसमें डाल दें तो उसकी बॉडी में अगर एंटीबॉडीज एक्टिव हुई तो वो दूसरे के ब्लड के रेड ब्लड सेल्स को तो फौरन डिस्ट्रॉय कर देगा, तो फिर हम वो ब्लड नहीं उसको ट्रांसफ्यूज करते। तो ये चेक करना जरूरी होता है, ठीक है। ये दोनों टेस्ट मैंने डिटेल में से बताएं बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब अपने इम्यूनोहिमोलिटिक एनीमिया की तरफ आते हैं। इसमें दो तरह की हम बातें करेंगे, एक वार्म एंटीबॉडी इम्यूनोहिमोलिटिक होता है, कोल्ड एंटीबॉडी। डिफरेंस सिर्फ दोनों में टाइप ऑफ एंटीबॉडी का है। वार्म एंटीबॉडी इम्यूनोहिमोलिटिक एनीमिया में बेसिकली हमारे पास ये होता है कि बॉडी में ही, जाहिर सी बात है कि हमारे रेड ब्लड सेल की जो सरफेस एंटीजेंस हैं उनके खिलाफ हमारी बॉडी खुद ब खुद से एंटीबॉडीज बनाने लग जाती है और वो एंटीबॉडीज जो है वो इसको आके इन एंटीजेंस के साथ आके बाइंड करती हैं, सेल का हिमोलिसिस कराती हैं। ये जो हिमोलाइज्ड सेल है जिसमें एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, ये बाद में फेगोसाइट्स इसको इंजेस्ट करके इसको खत्म कर देते हैं, ठीक है। फेगोसाइट्स इसको डाइजेस्ट कर लेते हैं, इस तरह वाइड स्प्रेड हिमोलिसिस शुरू हो जाता है बॉडी में। उसके साथ कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जिनको फेगोसाइट्स पूरा डाइजेस्ट नहीं कर पाते क्योंकि उनका साइज बड़ा होता है, मगर कुछ आरबीसीज जिनके ऊपर एंटीजन एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स बना हुआ होता है उनको फेगोसाइट्स नहीं अपने अंदर ले पाते। तो क्या हुआ कि इस तरह के जो सेल्स होंगे जो कि इनकम्प्लीट हिमोलाइज भी होंगे, जिनमें आरबीसी का जिनमें सब कुछ खराब हुआ होगा, उनकी शेप चेंज होकर स्फीरोसाइट किस्म की हो जाती है, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस में होती थी। ये चीज़ आपकी फिर वेसल्स को डैमेज करने लग जाती है, जब वेसल्स डैमेज होती हैं तो फिर आपका मजीद हिमोलिटिक और थ्रोम्बोटिक एपिसोड्स अलॉन्ग विद द इस्कीमिया एंड इन्फार्क्शन वो सब शुरू हो जाता है। तो वार्म इम्यूनो एंटीबॉडी ये वाला नाम हम इसको इसलिए दिया हुआ है क्योंकि इसमें जो एंटीबॉडीज इन्वॉल्व है वो IgG और IgA एंटीबॉडीज होती हैं जो कि हमारे सर्फेस एंटीजन ऑफ द आरबीसीज के अगेंस्ट बनने लग जाती हैं। कभी कभार बिल्कुल खुद ब खुद भी बनने लग जाती हैं, कोई कॉज हमें नहीं समझ आती, लेकिन कभी कभार ये बहुत सारे ऐसे हैं जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं उनमें बनती हैं, जैसे सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसिस है और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जिसमें बॉडी की इम्यूनिटी जरूरत से ज़्यादा एक्टिवेट हुई होती है उसमें बनती है, ठीक है। और उसके बाद वो बॉडी में वाइड स्प्रेड हिमोलिसिस शुरू कर देती हैं। और वार्म का नाम इसलिए हमने दिया है क्योंकि ये एंटीबॉडीज 37 डिग्री सी यानी बॉडी टेम्परेचर पर ही एक्ट करती हैं, विच इज़ वार्म टेम्परेचर, ठीक है। तो दो बातें इसमें आपने याद रखनी कि इसमें टेम्परेचर 37 है और दो एंटीबॉडीज IgG और IgA है। अच्छा, फिर उसके बाद उनका क्यों ये एंटीबॉडीज आके आरबीसीज के खिलाफ बनने लगते हैं, ये हर ड्रग का ड्रग टू ड्रग वेरी करते हैं और पर्सन टू पर्सन, मतलब कभी कभार ऐसा होता है कि
किसी ऑटो इम्यून सिंड्रोम की वजह से होता है ऐसा कि एंटीबॉडीज आपके आरबीसीज को डिस्ट्रॉय करती हैं। कभी कभार जैसे पेनिसिलिन कुछ लोगों में ना एकदम से एलर्जिक रिएक्शन एक्टिवेट करती है। पेनिसिलिन से एलर्जी आपने पढ़ी होगी फार्माकोलॉजी में, वो होता है कि पेनिसिलिन से बॉडी में उन लोगों की जाती है तो ये बॉडी की प्रोटीन ब्लड की प्रोटीन्स के साथ मिलकर बना देती है एक बड़ा कॉम्प्लेक्स। पेनिसिलिन और ब्लड की प्रोटीन्स मिलकर एक बड़ा कॉम्प्लेक्स बनाती है, इस कॉम्प्लेक्स को हम कहते हैं हेप्टेन। ये हेप्टेन जो है ना बॉडी में एंटीबॉडीज को एक्टिवेट कर देते हैं आईजीए को, और वो फिर आपके सारे के सारे एंटीजेंस को डिस्ट्रॉय करने लग जाती है इंक्लूडिंग द एंटीजेंस ऑन द सर्फेस ऑफ आरबीसीज। सो देर आर वाइड स्प्रेड कॉम्प्लेक्सेस, इसमें कोई ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। बस इतनी सी बात और याद जो रखनी है वो आपने कोल्ड एंटीबॉडी इम्यूनोहेमोलिटिक एनीमिया के बारे में कि ये जो है एनीमिया इसको कोल्ड इस वजह से कहते हैं क्योंकि ये 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे एक्टिव नहीं होता, इसके लिए टेम्परेचर चाहिए होता है 30 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये टेम्परेचर हमारे पेरीफ्रीज ऑफ बॉडी में होता है। लाइक कभी कभी ये आपके जो हाथों की उंगलियां होगी, नाक हो गई या पाँव की उंगलियां होगी, यहाँ पर टेम्परेचर थोड़ा सा कम होता है तो वहाँ पर ये टाइप ऑफ एनीमिया मैनिफेस्ट करता है। और इसमें जो एंटीबॉडी होती है वो शॉर्ट लिव्ड आईजीएम एंटीबॉडी होती है। आपको पता है कि आईजीएम की लाइफ बाकी दोनों आईजीजी और आईजीए से कम है, आईजीएम का साइज बड़ा होता है और लाइफ टाइम इसका कम होता है एज कम्पेयर टू आईजी आईजीए। तो ये एंटीबॉडी जब आपके पेरिफ्रीज ऑफ द हैंड में एक्टिवेट हो जाएगी और आरबीसीज को वहां पर डिस्ट्रॉय करने लगेगी, हिमोलिसिस करेगी, तो इसको हम कहते हैं कोल्ड एंटीबॉडी इम्यूनोहेमोलिटिक एनीमिया।